मोदी महोदय, मुझे आप मांग संख्या 52 पंचायत राज विभाग एवं मांग संख्या 53 ग्रामीण विकास विभाग पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए सभापति महोदय आपको धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, 2018 में जब चुनाव होने वाले थे, कांग्रेस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जन घोषणा पत्र में 2018 में उन्होंने एक घोषणा करी थी कि प्रत्येक गांव में सड़क मरम्मत करवाएंगे, वहाँ इंटरलॉकिंग टाइलें लगवाएंगे। एक एक किलोमीटर की फर्स्ट बजट में भी घोषणा करी 2019 में कि एक एक किलोमीटर की हर पंचायत हेडक्वार्टर पर एक गांव पर हम देंगे। मेरी विधानसभा में तो एक भी पंचायत में नहीं बनी, 46 पंचायतें हैं। हो सकता है मेरे साथी इतने विद्वान विधायक हैं, इनके कहीं बनी हो तो बात अलग है, पर इस प्रकार की घोषणाएँ करनी नहीं चाहिए। और इनको आने वाले चुनाव हैं, उनकी जो भी घोषणाएँ बाकी है उन घोषणाओं को करवाने की कोशिश करें। माननीय सभापति महोदय, इस पंचायत राज में जब से नागौर में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस पंचायत राज को काफ़ी पावर दिए, काफ़ी काम हुए, उसके बाद अटल बिहारी जी बने, अटल बिहारी जी ने इस पंचायत राज के लिए काफ़ी काम किए, फिर शेखाव साहब ने किए, पर काफ़ी काम अभी भी पेंडिंग है, काफ़ी बाकी हैं और काफ़ी पंचायत राज में करने की जरूरत है। क्योंकि पहले सरपंच और पंचायत सरपंच और प्रधान मिलकर जिला परिषद बनाते थे, वार्ड पंच और सरपंच मिलाकर प्रधान बनाते थे। आज जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य जो होते हैं, क्योंकि पंचायत समिति सदस्य मिलकर प्रधान बनाते हैं और जिला परिषद सदस्य मिलकर एक जिला प्रमुख बनाते हैं, पर वो 5 साल तक रहता है, उनको कोई वित्तीय पावर नहीं है, या इस प्रकार का कोई उनके पास कोई बजट नहीं होता है, या उनका ऐसा कोई मानदेय नहीं होता है, इसलिए कोई पंचायत समिति सदस्य को बनने की कोशिश भी नहीं करता है, उनको लोगों को उत्साह भी नहीं रहता है। मेरा सभापति महोदय, मंत्री जी काफ़ी अनुभवशील हैं, रमेश जी, मीणा जी, और काफ़ी इस बात को सोचकर, क्योंकि काफ़ी धरना प्रदर्शन ज्ञापन वो भी बार बार दे रहे हैं, इस बारे में सोचकर इन पंचायत समिति सदस्यों की और जिला परिषद सदस्यों की जो मांगे हैं उन मांगे को पूरी करें, उनका मानदेय भी दें और उनका ऐसा अलग से कोई बजट दें जो उनके विकास डेवलपमेंट के लिए, उन पंचायत जो दो पंचायतों पर एक पंचायत समिति होता है, 10 पंचायतों पर एक जिला परिषद होता है, उनके पावर की क्या कर सकते हैं उनके बारे में सोचकर उनके बारे में जल्दी निर्णय लें, ऐसा मैं कहता हूँ। एक सरपंचों की हड़तालें धरने पूरे देश में ज्ञापन हुए हैं और काफ़ी मांगे उन सरपंचों की थी कि हम लोगों के काफ़ी काम है, काफ़ी बजट है और काफ़ी समस्याएँ हैं, उनके सरपंचों के बारे में भी सोचें, क्योंकि एक ग्राम पंचायत का एक सरपंच खूब पावरफुल होता है, काफ़ी बजट भी होता है उनके पास, पर उनकी काफ़ी किस्तें बाकी है, जिला परिषद की किस्तें बाकी है, पंचायत समिति की किस्तें बाकी है, उन किस्तों को भी आप डलवाएं, क्योंकि 2021 की 2020 की तब से किस्तें बाकी है, उनको किस्तों को दिलवाएं, क्योंकि जब जब वो आप पैसा देंगे तो विकास और डेवलपमेंट में वो काम आएगा, उसके लिए आप वो पैसा भी दें। और एक टेंडर प्रक्रिया जो होती है, क्योंकि अभी मदन जी ने भी एक बात रखी थी कि बालोतरा से आने वाले विधायक ने कि इन टेंडर प्रक्रिया उनके सामने जो चुनाव लड़ता है वो टेंडर डाल देता है और उनके 2 लाख 3 लाख जो भी जब्त हो जाते हैं और लंबे टाइम तक वो सरपंच काम नहीं कर पाते हैं, उन पंचायतों में काम बंद पड़े हैं, उनको काम को करवाने की कोशिश करें। माननीय सभापति महोदय, एक पंचायत राज में एक राशन डीलरों वाली समस्या है, राशन डीलर आज काफ़ी हड़ताल पे भी हैं, 8-10 हज़ार लोग यहाँ बाहर आए हुए भी हैं, उनकी मांगों को भी आप लोग देखें, उनके बारे में भी चर्चा करें, उनको मानदेय अपन कैसे दे सकते हैं, उनको कमीशन कैसे दे सकते हैं, या अपन उनको परमानेंट 25-25-30 हज़ार रुपये जो भी तनख्वाह देकर उनके बारे में सोचकर, उनके बारे में भी आप सोचकर अगर आप करेंगे तो अच्छा होगा। एक पंचायत राज में काफ़ी रिक्त पद पड़े हैं, काफ़ी लंबे, जहाँ 2-2, 3-3, 4-4 पंचायतों में एक एक सचिव लग रहा है, उसके बारे में भी आप सोचें, क्योंकि एक पंचायत में अगर 2-2, 3-3 सचिव होंगे और वह उनकी पूर्ति नहीं हो पाएगी कामों की, इसलिए उनको भर्ती करने की भी कोशिश करें, उनको अपन कैसे भर सकते हैं, और अगर आप भरेंगे तो एक पंचायत राज में अच्छा काम हो पाएगा, एक सरपंच अच्छा काम कर पाएगा। एक पंचायत सहायकों को शिक्षा विभाग में जोड़ने की
जो प्रक्रिया थी, पहले पंचायतों में तीन तीन चार चार आदमी मिले हुए थे, अब वो एलडीसी के रूप में स्कूलों में लग गए, वो भी काफ़ी पंचायतों में कमी खल रही है। मैं उन टेम्परेली आप साल दो साल जितने भी हो सके उनको वापस आप पंचायतों में लगवाएं, या चार चार लोग हैं तो दो दो उनको पंचायतों में लगाएं, दो दो आप स्कूलों में लगा दें, तो एक वो पंचायत के जो छोटे मोटे काम हैं उनको आप करवा कैसे कर सकते हैं, उसको करवाने की कोशिश करें। एक विद्यार्थी मित्रों की काफ़ी 6500 पद खाली थे और उसको परमानेंट करने की बात भी हुई, उनको अपन परमानेंट कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी विचार करें। वो भी बार बार धरना प्रदर्शन ज्ञापन इस प्रकार की हड़तालें कर रहे हैं, उनके बारे में भी आप सोचें, क्योंकि वो भी व्यवस्था अपनी सुधर सकती है, उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। एक एलडीसी भर्ती की सरकार ने बात करी थी कि आने वाले दिनों में हम एलडीसी की भर्ती भी करेंगे और एलडीसी की भर्ती के द्वारा हम जो भी मांगे हैं उनको पूरी करने की कोशिश करेंगे, उसको भी आप करने की कोशिश करें। माननीय सभापति महोदय, जहां गाँव में जहां आप लोगों ने सड़क निर्माण की बात करी थी, आप सरकार के द्वारा हर एक गांव में, जो गांव बड़ा गांव है वहां एक एक किलोमीटर दे, छोटे छोटे गांव में 500-500 मीटर भी अगर सीसी रोड में सरकार की तरफ से देंगे, तो आज की तारीख में शहरों में जिस प्रकार का डेवलपमेंट हो रहा है उस प्रकार का गाँव में भी हो सकता है। और अगर आप सीसी रोड देंगे तो नाली वगैरह की व्यवस्था भी वहाँ हो पाएगी और वो अपना विकास डेवलपमेंट अपन कर पाएंगे, उसके बारे में भी आप सोचें। और सभापति महोदय, पेयजल की जो व्यवस्था है, जो व्यवस्थाएँ पेयजल के कारण, जहाँ सिंगल फेज बोर मोटर हैं और पंचायतों के पास ऐसा कोई बजट है नहीं है कि वो बिजली का बिल जमा करा सकते हैं, बिजली के बिल की काफ़ी परेशानी होती है। और अभी ग्राम पंचायतों में फरवरी मार्च महीना आता है और आरएसीबी वाले उनके कनेक्शन काट दिए जाते हैं, तो मेरा सभापति आपके माध्यम से मंत्री से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उनको हाल फिलहाल कहीं किसी पंचायत के 10 लाख बाकी हैं, किसी 50 लाख बाकी है, कि 2 करोड़ बाकी है, 3 करोड़ बाकी है, और बाकियात के जरिए उनके सबके कनेक्शन काट दिए जाएंगे। आज पानी पीने की वहाँ समस्या है, गाँव वाले कलेक्ट्री पर धरना दे रहे हैं, इस बारे में आप सोचें और सरकार उनका या तो बिल संपूर्ण बिल माफ़ करें, क्योंकि जो पुराने सरपंच रहे हैं 10-10, 15-15 साल से उनके बाकी हैं, उनके बारे में अपन क्या कर सकते हैं सभापति महोदय, उसके बारे में मंत्री जी आप थोड़ी चर्चा करें, इसके बारे में आप जरूर करें, क्योंकि सिंगल फेज के कनेक्शन करीब करीब सभी के काट दिए गए हैं, उनको अब जोड़ने की कोशिश कैसे करें, एक बार आप उनको करवाने की कोशिश करें। माननीय सभापति महोदय, एक ई मित्रों की समस्या है, ई मित्र भी टाइम पे काम कर नहीं पाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं, ऐसा सरकार के द्वारा उनको कोई मान दे दें, ऐसा कुछ दें, उनको फिक्स ऐसा कुछ कर लें। हर पंचायत में एक ई मित्र वाला बेटा है, क्योंकि प्रॉपर वे में बात करने के लिए जब तक सरकार का कोई अंकुश नहीं होगा या सरकार के द्वारा उनको कोई मान दे वगैरह ऐसा जो भी फिक्स करना चाहें, उनको अगर फिक्स कर लें वहाँ बैठे तो एक आराम से उनका जो भी कमीशन वगैरह वो ले लें, कर लें, प्रॉपर वे में वो काम हो जाए, उसके बारे में ई मित्र के बारे में भी एक बार आप सोच कर एक बार बात करें। माननीय सभापति महोदय, एक पंचायतों में नेट वगैरह की काफ़ी समस्या है, जितने भी पटवार भवन है, पंचायत भवन है, जो स्कूल हैं या छोटे छोटे जो भी वहाँ हैं, उनको नेट के द्वारा फाइबर केबल वगैरह डालकर बहुत सी पंचायतों में जुड़ नहीं पाए, नेट नहीं आ पाते हैं, वहाँ भी आप जोड़ने की कोशिश करें, उनको आप जोड़ने की कोशिश भी करेंगे और उनको जल्दी आप जोड़ेंगे। माननीय सभापति महोदय, बहुत सी ऐसी मांगे हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, पंचायत राज के द्वारा गांव में विकास डेवलपमेंट होता है, एमएलए फंड हो, एमपी फंड हो, सब पंचायतों के द्वारा लगाया जाता है। जब तक अपन पंचायत राज को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक अपन सरपंचों को मजबूत नहीं करेंगे, वहां के जिला परिषद सदस्यों को मजबूत नहीं करेंगे, पंचायत समिति सदस्यों को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक अपन प्रधान को मजबूत नहीं करेंगे, जिला प्रमुख को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक गाँव का और विकास डेवलपमेंट हो नहीं सकता है। माननीय सभापति, मेरा एक बार और मंत्री जी से रिक्वेस्ट है, इन सरपंचों को आप बुलाएं, क्योंकि हड़तालें होती है सभापति महोदय, तीन तीन चार चार महीने पंचायतों को ताले लगे हुए रहते हैं, कभी वहाँ सचिवों की कमी के कारण वहाँ ताले लगे हुए रहते हैं, कभी प्रधानों के कार्यालयों को ताले लगे हुए रहते हैं। इनकी जो जो भी मांगे हैं, एक बार सरकार उनको बुलाएं, उनसे बात करें, एक बार बात करके उनके जो भी मांगे हैं उनको पूरी करें। और ये राशन डीलर काफ़ी धरने पर बैठे हैं, 10,000 लोग बाहर बैठे हैं सभापति महोदय, उन राशन डीलरों के बारे में भी आप चर्चा करें, क्योंकि उनके उनके इतने तो खर्चे हैं, इतना उनका कुछ सब कुछ है, उनको कमी
कमीशन मिल नहीं पा रहा है, तो आप मंत्री महोदय प्रताप सिंह जी खासी आवाज भी बैठे हैं, रघु शर्मा जी से हंसी मजाक कर रहे हैं, एक बार आप भी समझे, घोषणा भी करके आए मंत्री जी बहुत जल्दी करके इस प्रकार की घोषणा भी करेंगे और राशन डीलरों के बारे में आप सोचेंगे, क्योंकि राशन डीलर की आप जब तक मांगे नहीं करेंगे। एक बार मंत्री महोदय मेरे को बोलने थे पूरा एक मिनट भर माननीय खाद्य आपूर्ति मंत्री महोदय ने आपकी बात सुन ली है, सभापति महोदय धन्यवाद। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की विधानसभा इस लोकतंत्र का सबसे पवित्र मंदिर है और आज इस लोक